हेलो फ्रेंड्स, मैं अलियानी सर एंड आई वेलकम यू इन माय वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ वेक्टर फ्रॉम बेसिक मैथ्स सेमेस्टर 1। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। यानी पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट आपको सिखाया हुआ है, आज हम इस वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप के सम सीखेंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेथड नंबर 5, वेक्टर्स। एज यू नो के डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, 3-1, 2 डॉट 1, 2, -3। अगर मुझे इस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो मेरे पास स्लोगन है नो कॉमा नो ब्रैकेट। तो पहले इन दोनों का इंटू करेंगे, सो 3-1 दैट इज 3। देन -1 × 2 का इंटू -2, 2 × -3 दैट इज -6, यानी 3 − 2 − 6 − 5। सो दिस इज आंसर ऑफ डॉट प्रोडक्ट। यानी डॉट प्रोडक्ट का आंसर ऑलवेज इस टाइप का आएगा, स्केलर। इस टाइप को कहते हैं स्केलर। नाउ विल सी हाउ विल डू क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट देखने के बाद अब हमको समझना है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2-3, 1 × 1, 2, 3। ये दो वेक्टर है, इसका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। दिस इज द सिंबल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल है, इट इज इक्वल्स टू, स्लोगन में आपको दे रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट का, I J K with determinant। ये डिटर्मिनेंट है, सो I J और K कंपलसरी आपको रखना है। अब इसके नीचे आपको पहला जो वेक्टर है उसकी एंट्री यहां पे लगानी है, 2-3, 1। दूसरे वेक्टर की जो एंट्री है 1, 2, 3, वो आपको इधर लगानी है। नाउ आई यहां पे एक 2/2 डिटर्मिनेंट, यानी छोटा डिटर्मिनेंट आपको लगाना है। ये जे ऑलवेज माइनस जे करके आएगा, अगेन छोटा डिटर्मिनेंट, प्लस के, इट इज 2/2 डिटर्मिनेंट जिसको हम छोटा डिटर्मिनेंट कहते हैं, प्लस के। फिर से आई, ये माइनस जे, यानी हर सम में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तब ये माइनस जे, प्लस के। अब आई के साथ इधर कौन आएगा, जे और के नीचे जो एंट्रीज है वो आएंगे। यानी आई के साथ जे के नीचे -3, 1, 2 और 3। माइनस जे के साथ कौन आएगा, 2, 1, ये 1 और 3। जे के साथ कौन आएगा, तो आई और के जो नीचे है, ये आई के नीचे और ये के नीचे, 2, 1, 1, 3। अब के साथ कौन आएगा, तो आई और जे के नीचे जो एंट्री है, यानी आई और जे के नीचे ये एंट्री है, 2-3, 1, 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी -3 × 3 दैट इज -9। पहले क्या करना है, जो मैंने एरो लगाया है वहां आपको इंटू करना है, यानी -3 का 3 के साथ इंटू -9। अब ये माइनस नियम का है, यानी यहां पे आपको माइनस लगाना कंपलसरी रहेगा। फिर इसका इंटू करो, 2 × 1, 2 ब्रैकेट कंप्लीट, -j ब्रैकेट, पहले इन दोनों का इंटू करिए, 2 × 3, 6, ये नियम, 1 × 1, -1, प्लस के, 2 × 2, 4, माइनस नियम, 1 × -3। यहां समझिए, ये नियम का माइनस है। अब मैं 1 और -3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1 × -3 इज -3, तो ये -3 और ये माइनस, ये हो जाएगा +3। सो आई -11 − j 6 − 1, 5, प्लस के, 4 + 3, 7। सो दिस इज -11i − 5j + 7k। सो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको ये मिला। और हम अगर आई जे के फ्री कर देते हैं
तो हमको मिलेगा -11, -5 एंड 7। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका मीनिंग क्या है, यानी अगर एक वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है बी बार, जैसे ये आपका ए बार हुआ, ये आपका बी बार हुआ, और ये क्या है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी दिस इज ए बार क्रॉस बी बार। तो इसका मतलब ये होता है कि यू हैव टू वेक्टर्स ए बार, देन यू हैव अनदर वेक्टर बी बार, देन ए बार क्रॉस बी बार इज हियर। सो ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार वेक्टर, ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार वेक्टर। सो ए बार क्रॉस बी बार एक ऐसा वेक्टर है जो ए बार को परपेंडिकुलर होगा, बी बार को परपेंडिकुलर होगा, यानी इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग। अब हम मेथड 5 का सम नंबर 1 करते हैं। मेथड 5 का सम नंबर 1, ए बार इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 1, बी बार इक्वल्स टू 1 4 माइनस 3, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ए बार और बी बार गिवन है और आपको ये फाइंड करना है, यानी सबसे पहले आप फाइंड करोगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार, और जिसका स्लोगन मैंने दिया है डिटर्मिनेंट विथ आई जे के, डिटर्मिनेंट विथ आई जे के। सो आई जे के नीचे ए बार के मेंबर्स हमको रखने हैं और बी बार में आपको ये वाले मेंबर्स रखने हैं 1 4 माइनस 3। अब आई के साथ छोटा डिटर्मिनेंट, माइनस जे के साथ छोटा डिटर्मिनेंट, प्लस के साथ छोटा डिटर्मिनेंट। अब आई के साथ जे और के नीचे जो नंबर्स है वो आएंगे, यानी जे के नीचे माइनस 3, के नीचे माइनस 1 4 और माइनस 3। अब बारी है माइनस जे के साथ कौन आएगा, तो आई और के नीचे जो है नंबर्स 2 माइनस 1 1 माइनस 3, प्लस के साथ कौन आएगा 2 माइनस 3 1 4। सो आई, अब इन दोनों का इंटू करो, ध्यान रखिएगा यहाँ बहुत गलती हो सकती है, माइनस 3 इंटू माइनस 3 दैट इज प्लस 9, मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस नियम का, माइनस नियम का रखने के बाद आपको ये मल्टीप्लाई करना है। सो 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4। माइनस जे 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, माइनस नियम 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 दैट इज प्लस 1, प्लस के 8। ये माइनस किसका है, नियम का है। अब इन दोनों का इंटू करो तो 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3। सो आई दिस इज 13, माइनस जे माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, प्लस के 8 प्लस 3 11। सो आई 13, सो दिस इज 13 आई प्लस 5 जे माइनस माइनस प्लस, सो 5 जे प्लस 11 के, सो दिस इज 13 कॉमा 5 कॉमा 11। सो दिस इज ए बार क्रॉस बी बार। अब ए बार क्रॉस बी बार आपको मिल गया है, अगर आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करना हो तो ये आपका आंसर आ जाएगा, पर यहाँ पे हमको ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसके बाद हमको मैग्नीट्यूड की जो प्रोसीजर है वो करनी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड की जो प्रोसीजर है मैं वो कर रहा हूँ, इट इज़ रूट ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपको 13, 5 और 11, यानी 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121। अब आपको क्या करना है, तीनों को प्लस करना है, तो तीनों को प्लस करेंगे तो 169 और 129, यानी 170, 190, 290 और ये हो गया आपका 25, यानी आपका टोटल होगा 315। यानी ए बार क्रॉस बी बार प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, इट इज़ नॉट सिंपल प्रोडक्ट, इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ जाने के बाद आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड में आपको रूट के अंदर तीनों का स्क्वायर करके एडिशन करना है, तो आपको मिलेगा आंसर रूट 315। तो ये हुआ हमारा सम नंबर 1। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सम की ओर, नाउ सम नंबर 4,
a bar equals to 2i minus j, b bar equals to i plus 3j minus 2k. Find magnitude of a bar plus b bar cross a bar minus b bar. यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हमको a bar cross b bar find नहीं करना है. यहाँ पे हमको पहले ये find करना है, फिर ये find करना है, फिर दोनों का cross करके magnitude find करना है. तो सबसे पहला काम आई जे के फ्री करना है. तो ए बार क्या होगा, आई के आगे 2, जे के आगे माइनस 1, के आगे 0, बी बार 1, 3, माइनस 2. तो ये मिला आपको ए बार और बी बार, आई जे के हमने फ्री किया है. पहले स्टेप में हमको आई जे के फ्री करना है जो हमने किया है. अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ ए बार प्लस बी बार. तो a बार 2 माइनस 1 0 प्लस b बार यानी 1 3 माइनस 2. यानी अब क्या होगा, तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट यानी 2 प्लस 1 कॉमा माइनस 1 प्लस 3 कॉमा 0 माइनस 2. तो 2 प्लस 1 3 माइनस 1 प्लस 3 2, 0 माइनस 2 इज माइनस 2. अब a बार माइनस b बार, a बार माइनस b बार यानी 2 माइनस 1 0 जो a बार है, माइनस b बार यानी 1 3 माइनस 2. तो अब आपको माइनस करना है, तो पहले क्या करने का है, माइनस को अंदर साइन दे दो, माइनस साइन जो है वो अंदर जाने दीजिए, तो बाहर आपके पास क्या रहेगा, प्लस. ऑलवेज याद रहे, अगर आपके पास बाहर माइनस हो तो माइनस साइन को अंदर जाने देना है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज, माइनस 3 प्लस 2. तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, एंड थर्ड के साथ थर्ड, यानी 0 प्लस 2, यानी आपको मिलेगा 1 माइनस 4 एंड दिस इज 2. तो आपको पहला a बार प्लस b बार मिला, इसको मैं लॉक कर देता हूँ. फिर आपको मिला a बार माइनस b बार, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ. ये दो मिल जाने के बाद आपको a बार प्लस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार फाइंड करना है. तो ये कैसे होगा, क्रॉस i j k विथ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट और i j k फॉर्मेट आपको लिखना है. उसके बाद आपको क्या करना है, a बार प्लस b बार, याद रहे a बार b बार को यहाँ पे यूज नहीं करना है. यहाँ पे आपके जो आंसर्स आए हैं a बार प्लस b बार और a बार माइनस b बार, उसको इधर यूज करना है, यानी 3 2 माइनस 2 1 माइनस 4 और ये 2. अब इसका मुझे सिंप्लीफिकेशन में जाना है, i यू नो छोटा सा डिटर्मिनेंट आएगा, माइनस j फिर अगेन डिटर्मिनेंट, प्लस k फिर वापस डिटर्मिनेंट. सो i के साथ क्या आएगा, j और k के जो नीचे नंबर्स है 2 माइनस 2 माइनस 4 2, माइनस j के साथ 3 माइनस 2 और 1 2, प्लस k के साथ कौन आएगा, i और j के नीचे है वो 3 2 1 माइनस 4. अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, i 2 इंटू 2 4 माइनस नियम, माइनस 4 और माइनस 2 यानी माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8 माइनस j, 3 टू 6 ये नियम, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 2, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 माइनस 1 इंटू 2 2 माइनस 4, 6 प्लस 2 8 माइनस 14. सो दिस इज माइनस 4i माइनस 8j माइनस 14k, माइनस 4i माइनस 8j माइनस 14. सो दिस इज माइनस 4 माइनस 8 माइनस 14. तो ये आपको क्या मिला, दिस इज यू हैव a बार प्लस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 8 माइनस 14. ये आपको मिल गया दिस. नाउ दिस इज नॉट फाइनल आंसर, दिस इज नॉट फाइनल आंसर. फाइनल आंसर आपका कब आएगा, जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे. तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड a बार प्लस b बार
अक्रॉस ए बार माइनस बी बार इक्वल टू रूट, क्या होगा पहले, माइनस फोर का स्क्वायर माइनस एट का स्क्वायर माइनस फोर्टीन का स्क्वायर। तो माइनस फोर का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 196। अब हमको इन तीनों का प्लस करना है। अब देखिए एकदम इजी वे कौन सा है, तो 16 प्लस 64 यानी आपका हो जाएगा 80 और ये है आपका 196 प्लस 80 यानी 276। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैं एक बार फिर से पूरा सम रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए बार बी बार गिवन है। सबसे पहले मैंने आई जे के फ्री कर दिया है, यहाँ पे के नहीं है, अगर कोई नहीं है तो आपको जीरो बनाना है यानी जीरो के यानी जीरो लेना है। फिर ए बार बी बार मिल गया, फर्स्ट फाइंड ए बार प्लस बी बार, ए बार रखा बी बार रखा और ए बार प्लस बी बार फाइंड किया, देन फाइंड ए बार माइनस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार माइनस बी बार। अब आपको क्रॉस फाइंड करना है इन दोनों का, तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डिटर्मिनेंट आई जे के, तो डिटर्मिनेंट आई जे के बाद आपको जो आंसर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हुआ आपका उसका मैग्नीट्यूड, ये इसके बाद ये मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन, तो आपको मिलेगा रूट 276 यानी चार स्टेप में ये सम होता है, पहले ए बार प्लस बी बार, दूसरा ए बार माइनस बी बार, तीसरा इसका क्रॉस प्रोडक्ट और चौथा इसका मैग्नीट्यूड। तो चार स्टेप में आपका ये सम होगा। यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइप के सम में आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक बात पक्का बता रहा हूँ कि इस टाइप का एक सम पक्का एग्जाम में आता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम, सम नंबर 5। ये सम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऐसा सम है जिसमें डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का यूज होता है, इसीलिए ये सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, तो पहले हम आई जे के फ्री कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, डॉट ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 2, आई के आगे 1, जे के आगे माइनस 2, के आगे 2, क्रॉस 3 माइनस 2 माइनस 2, सो दिस इज 10, 2, 3। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहले हम ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, डिटर्मिनेंट आई जे के, सो हियर 1 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 माइनस 2, ये है क्रॉस प्रोडक्ट करने का डिटर्मिनेंट विथ आई जे के। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ डॉट करेंगे, तो ये डॉट दिखना बहुत ज़रूरी है। सो आई, दिस इज 2/2 डिटर्मिनेंट, क्या आएगा इधर जी और के जो नीचे नंबर्स है, माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 2, माइनस जे के साथ आई और के नीचे जो है 1 2 3 माइनस 2, राइट। अब प्लस के, प्लस के में 1 माइनस 2 3 माइनस 2, सो दिस इज 10 2 3 डॉट आई, माइनस 2 और माइनस 2 हो जाएगा 4, यू कैन यूज योर बिग ब्रैकेट, सो 4 माइनस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, सो हियर ऑलरेडी माइनस तो है, इसका माइनस 4 यानी ये हो जाएगा प्लस 4, माइनस जे 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, ये माइनस नियम का 3 टू 6, प्लस के 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस नियम 3 इंटू माइनस माइनस 6, ये हो जाएगा आपका प्लस 6, सो 10 2 3 डॉट आई 4 प्लस 4 8 माइनस जे माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस के माइनस 2 प्लस 6 4, सो 10, 2, 3 डॉट 8 आई प्लस 8 जे माइनस माइनस प्लस 8 जे प्लस 4 के, सो 10, 2, 3 डॉट 8, 8, 4। यहाँ मैंने क्या किया, आई जे के को रिमूव किया, तो हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा 8, 8 और 4। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, डॉट प्रोडक्ट याद करिए मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या स्लोगन दिया है, नो कॉमा नो ब्रैकेट, क्या होगा नो कॉमा नो ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 8 80
2 × 8 = 16, 3 × 4 = 12, तो ये हो जाएगा आपका 16 + 12 = 28, और 80 यानी 80 + 28 यानी 108 इमरजेंसी नंबर. सो दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वेक्टर डॉट दिस क्रॉस प्रोडक्ट. यानी पहले हमने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, ये मिला क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 884. फिर मैंने इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया है, तो डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो 10 × 8 = 80, 2 × 8 = 16, 3 × 4 = 12, नो कॉमा नो ब्रैकेट, आंसर आएगा 108. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है जिसमें डॉट और क्रॉस दोनों को यूज किया जाता है, तो ये अच्छे से लिखना है. नाउ सम नंबर 7, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम GTU एंड मेथड नंबर 5, सम नंबर 7. ए इज गिवन, बी इज गिवन, ए अने बी बने आपेला छे. आपको प्रूव करना है दिस वेक्टर ए क्रॉस बी एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर. जैसा कि आप जानते हो, हमने मेथड नंबर 3 में क्या किया था कि अगर दो वेक्टर ए बार और बी बार परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट जीरो होता है. यानी अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. वही हम इधर यूज करेंगे. यानी पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर उसका हम ए के साथ डॉट करेंगे. अगर वो जीरो आता है तो हमारा काम हो जाएगा. सबसे पहले ए आई जे के फ्री करिए, 1 − 1 − 3. बी आई के आगे 2, यहाँ पे ध्यान रखना ये जे है, हमको जे नहीं चाहिए, पहले आई चाहिए. तो आई के आगे 2, जे के आगे 1, के आगे −1. सो ए क्रॉस बी हमको फाइंड नहीं करना है पहले, क्योंकि हमको पहले ए और बी आई जे के फ्री करेंगे. फ्री करने के बाद हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे. तो ए क्रॉस बी आई जे के, अब ए क्या आएगा 1 − 1 − 3, बी आएगा 2 − 1 − 1. सो आई आई के साथ छोटा डिटर्मिनेंट, जे और के नीचे जो है −1 − 3, 1 − 1 − j, 1 − 3 − 2 − 1. जे के साथ कौन आएगा 1 − 3 − 2 − 1, प्लस के 1 − 1 − 2 − 1. सो आई −1 − 1 − 1, ये मल्टीप्लाई किया है मैंने, −1 × −3 − 3, ये हो जाएगा +3. −j 1 × −1 − 1, ये नियम का माइनस है. अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × −3 कितना होगा −6, तो ये हो जाएगा आपका +6. सो 1 × 1 = 1, ये नियम का माइनस, 2 × −1 − 2, ये हो जाएगा आपका +2. इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर यूज करना है. सो आई 1 + 3 = 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 3, तो आपको मिला 4i −5j + 3k. सो ये आपको मिल गया 4 − 5 = 3. दो वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम उन दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो आना चाहिए. तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दो वेक्टर कौन से दिए हैं, ए बार क्रॉस बी बार और ए. अगर हमको ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं तो हमको दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, और वो कितना आना चाहिए, जीरो. इटले के कोई पण बे सदिशों ने परस्पर लंब साबित करवो होए तो बने नो डॉट गुणाकार जीरो थावो जोइए. तो अहीं ए क्रॉस बी अने ए, तो ए क्रॉस बी डॉट ए हम फाइंड करेंगे. तो ए क्रॉस बी आपका आया 4 − 5 = 3 डॉट ए. ए क्या है आपका 1 − 1 − 3, 1 − 1 − 3. अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है. सो 4 × 1 = 4, नो कॉमा नो ब्रैकेट. −5
इंटू माइनस वन, जो माइनस माइनस प्लस, फाइव वन जा फाइव, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन, सो फोर प्लस फाइव नाइन, माइनस नाइन जीरो। देखिए अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, सो देयरफॉर ए क्रॉस बी एंड ए आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी अने ए परस्पर लंब सदिशो छे। ये हो गया प्रूफ के गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। सेम क्वेश्चन में आपको कैपिटल ए की जगह कैपिटल बी दे सकते हैं, तो आपको इधर बी लेना है तो भी आपका आंसर जीरो ही आएगा, बिकॉज ए क्रॉस बी, याद रखिए ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी। तो ये हुआ आपका सम नंबर सेवन। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस मेथड का सम अगर आता है तो गलतियां भी बहुत सारी होती है, माइनस प्लस की मिस्टेक्स, तो अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस करो, और अगर आपकी माइनस प्लस की मिस्टेक हो रही है तो यूज़ कैलकुलेटर एंड देन वेरीफाई योर आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।